हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक अमेजिंग फैंटेसी मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है इरागन। ये कहानी है उस वक्त की जब एलिगेशिया नाम की खूबसूरत जगह थी, जिसके रखवाले थे ड्रैगन्स और उनके राइडर्स। हजारों सालों से ड्रैगन राइडर्स उस जगह की प्रोटेक्शन कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ के सभी लोग बहुत खुश थे। पर धीरे धीरे ड्रैगन राइडर्स के बीच हिंसा बढ़ने लगी और एक दिन गैल्बोट्रिक्स नाम का एक राइडर इसी हिंसा का फायदा उठा, एक एक करके सभी ड्रैगन राइडर्स को मार देता है। और उस दिन के बाद से एलिगेशिया में गैल्बोट्रिक्स का ही राज है। उसने फ्रीडम फाइटर्स यानी जिन्हें वार्डन कहते थे उन्हें भी ख़त्म कर दिया, ताकि कोई भी उसका विरोध ना कर सके। पर वार्डन के कुछ लोग उससे बचकर अभी पहाड़ों में छिपे थे। अब हमें दिखाया जाता है आर्या नाम की एक प्रिंसेस किसी तरह गैल्बोट्रिक्स का कीमती स्टोन लेकर भाग जाती है। और गैल्बोट्रिक्स का खतरनाक जादूगर दूसरा उसके पीछे जाता है वो पत्थर वापस लाने। अब वो आर्या के चारों तरफ आग लगा देता है, पर इससे पहले वो उसे स्टोन ले सके आर्या उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम रैगन नाम के एक फार्म बॉय को देख पाते हैं जो अपने अंकल के साथ शिकार कर रहा था, और उसी वक्त वो स्टोन वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। स्टोन को देख रैगन हैरान था कि ये चीज़ आखिर है क्या, एंड क्योंकि वो शिकार करने में नाकामयाब हुआ था वो मीट वाले के पास इसी स्टोन का सौदा करने जाता है, पर वो दुकानदार सौदा नहीं करते। वहीं घर आते वक्त रैगन देखता है कि सोल्जर जवान लोगों को फोर्सफुली अपने साथ आर्मी में भर्ती कराने के लिए ले जा रहे थे। तो वो जल्दी से अपने घर आ जाता है जहाँ वो अपने कज़न भाई और अंकल के साथ रहता था। और वहाँ उसका कज़न उसे बोलता है वो अब एलिगेशिया जा रहा है क्योंकि वो उन सोल्जर्स को ज्वाइन करना नहीं चाहता। और अगले दिन उसका कज़न अपने सफ़र के लिए निकल चुका था। वहीं जब रात होती है तब रैगन नोटिस करता है उसके पास जो स्टोन था वो हिल रहा था, एंड तभी उसे पता चलता है वो कोई स्टोन नहीं बल्कि एक ड्रैगन का एग है। और उसके अंदर से एक सुंदर सा बेबी ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देख रैगन हैरान और खुश दोनों था। और वो अपने हाथ उस ड्रैगन पर रखने जा ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह से ब्लू रोशनी निकलती है, और उस रोशनी से गैल्बोट्रिक्स को पता चल जाता है कि ड्रैगन बाहर आ चुका है। वहीं हम देखते हैं आर्या अब भी जिंदा थी, पर उसे दुर्जा ने बंदी बनाकर रखा था। और आर्या के हाथ को देख उसे पता चल चुका था वो ड्रैगन फिलहाल है किधर, और वो गैल्बोट्रिक्स को ये सब बता रहा था कि ड्रैगन ये फार्म बॉय के पास है, जिससे हमें कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि ड्रैगन था तो एक बच्चा ही। पर गैल्बोट्रिक्स वार्डन के लोगों से बहुत डरता था कि अगर उन्हें ड्रैगन का पता चल गया तो उन लोगों में एक उम्मीद जाग उठेगी गैल्बोट्रिक्स के खिलाफ बगावत करने की, और इसी वजह से वो इन सबको दफना देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अब सुबह हो जाती है और रैगन देखता है कि उसके हाथ पे एक निशान बन चुका है जो ड्रैगन ने रात के वक्त बनाया था। पर उसे खेतों में थोड़ा काम करने के लिए जाना पड़ता है, और वापस लौट वो बाकी का समय ड्रैगन के साथ ही बिता रहा था। कुछ देर में रात हो जाती है और दूसरा अपनी डार्क मैजिक से रिजैक नाम के खूनखार प्राणी को जगा रहा था ताकि वह रैगन को मार सके। वहीं रैगन कुछ गाँव के लोगों के पास बैठा था जो लोग यही बात कर रहे थे कि सोल्जर्स ने कैसे उनके बच्चों को फोर्सफुली अपनी सेना में भर्ती करा दिया। और उन्हीं में से एक ब्रो नाम का शख्स कहता है एक वक्त था जब ड्रैगन और राइडर्स सभी को प्रोटेक्ट करते थे, और मुझे पूरी उम्मीद है वो समय दोबारा ज़रूर आएगा। ये सुने ड्रैगन अपने ड्रैगन के बारे में सोचने लगता है, और अगली सुबह वो उसे उड़ना सिखा रहा था ये कहते हुए कि ड्रैगन राइडर्स का समय ज़रूर वापस आएगा और सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा। वही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उड़कर दूर चली जाती है, और तभी ड्रैगन के हाथ का निशान चमक रहा था और आसमान में बादलों के बीच अचानक वो ड्रैगन बड़ी हो जाती है। और फिर ड्रैगन के पास दोबारा चली आती है जहाँ टेलीपैथी के द्वारा वो दोनों एक दूसरे से बातें कर पा रहे थे, और वो उसे बताती है मेरा नाम है सफीरा और मैं हजारों सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन तब तक अंडे से बाहर नहीं आ सकते जब तक वो अपने राइडर के पास ना आ जाए। ये एक तरह की डेस्टिनी थी ड्रैगन्स और उनके राइडर्स के बीच। फिर रात को ड्रैगन ब्रोम के घर जाता है ड्रैगन के बारे में और जानने के लिए, लेकिन ब्रोम वहाँ नहीं था तो ड्रैगन वहाँ रखी बुक को पढ़ने की कोशिश करता है। पर अचानक ब्रोम वहाँ आ जाते हैं और बिना इजाज़त बुक पढ़ने के लिए वो उसे जाने को कह रहे थे, और उसके जाते ही ब्रोम साइड से एक तलवार निकालते हैं और उसे देख वो कुछ याद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन जब लौट रहा था तभी वो देखता है रिजैक नाम का वो विचित्र प्राणी सामने वाले इंसान के घर पे लोगों को मार रहा था ड्रैगन के बारे में पूछते हुए।
उसे देख रैगन जल्दी से अपने घर आ जाता है अपने अंकल के पास। पर तभी सफीरा उसे उठाकर ऊपर ले जाती है और वो उसे बता रही थी ये लोग तुम्हें मारने आए हैं। लेकिन रैगन उसे उतारने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने अंकल को बचाना चाह रहा था। पर सफीरा बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब तक तो वो लोग उसके अंकल को मार चुके होंगे। बट ये सब कुछ जानते हुए भी रैगन उसे मजबूर करता है अपने अंकल के पास ले जाने के लिए। और वहाँ पहुँचते ही रैगन अपने अंकल के मृत शरीर को देख पा रहा था और ये बात वो संभाल नहीं पाता एंड उनके मौत का दोषी वो सफीरा को ठहराता है और वो उसे खुद से दूर जाने के लिए बोल चुका था। तो सफीरा वहाँ से चली जाती है और वही रैगन अपने अंकल को पकड़ रो रहा था। और उसी वक्त वहाँ ब्रोम भी आते हैं और बिना कुछ जाने रैगन उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन ब्रोम उसके हाथ पे वो निशान देख कह रहे थे तो आखिर तुम हो हमारे नए ड्रैगन राइडर। और फिर वो लोग उस घर को चला देते हैं रैगन के अंकल को फ्यूनरल देने के लिए। और ब्रोम उसे अपने हॉर्स पे बैठा वार्डन तक पहुंचने के सफर पर निकल चुका था। और कुछ ही दूरी तय करने के बाद एक सेफ जगह पे रुक वो रैगन को सफीरा को बुलाने के लिए बोल रहा था। बट रैगन एकदम गुस्से में होता है और वो अपने अंकल के कातिलों को मारना चाह रहा था। जिसमें ब्रोम उसे समझाते हैं जो उसमें होश खोने से कुछ भी नहीं होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। तुर्जा जिसने सब कुछ किया है वो डार्क मैजिक का मास्टर है और उसे हराना बहुत मुश्किल। वो एक तरीके से एक परछाई है, तुम उसे जितनी भी मार मारोगे वो कभी भी नहीं मरेगा। एंड ये सुन रैगन सफीरा को सॉरी बोलता है और अपने पास बुला लेता है और सफीरा खुशी खुशी उसके पास दोबारा आ जाती ही है। एंड ये शुरुआत थी उन दोनों की अटूट दोस्ती की। फिर ब्रोम रैगन को राइडिंग करने के लिए सिखा रहा था लेकिन रैगन मना कर देता है क्योंकि वो मानता था उसके अंकल की मौत उसकी वजह से हुई थी। पर ब्रोम एज अ मेंटर उसे समझाते हैं तुम चोजन वन हो, तुम अगर राइड नहीं करोगे तो हमारी सारी उम्मीद टूट जाएगी। और वो उसे एक और बात बताते हैं कि सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी ज़िंदगी है क्योंकि अगर ड्रैगन मारा भी गया तो राइडर को कुछ नहीं होगा, पर अगर राइडर मारा गया तो उसका ड्रैगन भी मारा जाएगा। अब हम देखते हैं दुर्जा अपने दूसरे गुलाम उर्गल्स को रैगन को मारने भेज देता है। वहीं ब्रोम रैगन से कह रहे थे कि सफीरा को आसमान में जाकर ये देखने को कहो कि उर्गल्स और रजाक जैसे ही आए तो वो हमें इत्तला कर दें और अब उन्हें जल्द से जल्द वार्डन के लोगों के पास पहुंचना होगा। और रास्ते में जाते वक्त वो लोग छिप कर देखते हैं कि उर्गल्स अब भी उन्हें ढूंढ रहे थे। तो ब्रोम चुपचाप जाने के लिए कह रहा था पर रैगन उसे लड़ना चाह रहा होता है जिसे ब्रोम खुद उससे फाइट करते हैं और उसे समझा रहे थे तुम अभी उतने स्ट्रांग नहीं हो। और फिर वो दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं जब रैगन हॉर्स पे बैठा सो जाता है और सपने में उसे आर्या दिख रही थी। वहीं कुछ देर में वो लोग डायरेक्ट नाम के विलेज पहुंचते हैं जब ब्रोम किसी से मिलने जाता है और रैगन को ब्रेड खरीदने के लिए भेज देता है। और वहां देख पा रहे थे कोई अनजान शख्स रैगन को घूर रहा था। फिर रैगन गलती से एक फॉर्च्यून टेलर के पास पहुंच जाता है। जब वो फॉर्च्यून टेलर उसे बताती है तुम्हारा इंतजार लोग सदियों से कर रहे थे ड्रैगन राइडर, एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और एक लड़की है जो तुम्हारे अतीत और भविष्य का हिस्सा बनेगी। पर यह सब सुन रैगन अभी यकीन नहीं कर पा रहा था वो एक चूजन प्रोटेक्टर कैसे हो सकता है। और फिर वो वहां से बाहर आता है जहाँ पे वो उर्गल्स उसे पकड़ लेते हैं लेकिन तभी ब्रोम आकर उसे बचा चुका था और वो दोनों किसी तरह उर्गल्स से बच आगे की ओर बढ़ रहे थे। रैगन को दोबारा वो लोग पकड़ चुके थे पर अचानक खुद को बचाने वो खुद से तीर चलाता है और पता नहीं कैसे उसके अंदर जादुई ताकत आ चुकी थी और तीर चलाते ही वो खुद भी बेहोश हो जाता है जिसे देख सफीरा उसे उठाकर ले जाती ही है। और रैगन दोबारा से सपने में आर्या को देख पा रहा था एंड जब सुबह उसे होश आता है तो ब्रोम बता रहे थे कल जो तुमने एक पल में सीखा वो सीखने के लिए अन्य राइडर्स को सालों लग जाते हैं। एंड वो रैगन को ये भी बताते हैं मैजिक करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं तो तुम्हें बहुत ताकतवर होना पड़ेगा और प्राचीन एल्व्स के शब्द सीखने होंगे। एल्व्स दरअसल एक प्रकार के जीवों को कहा जाता है जो इंसानों के साथ ही रहते हैं और आर्या भी एक एल्व प्रिंसेस ही थी। फिर ब्रोम रैगन को शब्दों के बारे में बता रहे थे कि आग के लिए कौन सा शब्द होगा एंड और भी कई सारे, पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते दौरान उसे एक चीज़ याद रखनी होगी जितनी शक्तिशाली जादू का वो प्रयोग करेगा उतना ही वो कमज़ोर हो जाएगा और किसी किसी सिचुएशन में तो उसकी जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसे खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। और फिर रैगन अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और वो सफीरा पे बैठ राइडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं सफीरा जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ उड़ती है
और रैगन खुद पर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब वो एक स्पेल पड़ता है जिसकी वजह से वो दूर तक देख पा रहा था पहाड़ों की आर पार, और वहाँ वो देख पाता है रिजैक्स ब्रोम पे हमला करने जा रहे थे। तो दोनों तेजी से ब्रोम को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाते हैं। पर फिर किसी तरह वो दोनों वापस उठ रिजैक्स को ख़त्म करे थे, और इन सब में ब्रोम भी उनकी मदद करते हैं। और वहाँ वो ब्रोम के तलवार को देख काफ़ी हैरान थे, पर फिर ब्रोम उन पर गुस्सा होता है क्योंकि इस हरकत से सफीरा को कितनी चोट आई है। पर तभी रैगन ब्रोम के हाथ के निशान को देख समझ चुका था कि वो भी एक ड्रैगन राइडर है, लेकिन उसके ड्रैगन को किसी दूसरे ड्रैगन राइडर ने उसकी तलवार की मदद से मार दिया, और वो तलवार एक ड्रैगन किलिंग स्वॉर्ड थी। और अपना बदला लेने ब्रोम ने उस राइडर को भी मार दिया उसके ड्रैगन के साथ, एंड उस दिन के बाद से वो तलवार ब्रोम के पास है। फिर ब्रोम उसे बता रहे थे सिर्फ गैल्वेट्रिक्स का ही इकलौता ड्रैगन है जो अब तक जिंदा है, बाकी सारे मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दुर्जा उर्गल्स के लीडर को मार देता है क्योंकि वो इरेगन को मारने में नाकामयाब हुआ था, और अब वो आर्या पे ब्लैक मैजिक करता है जिसके बाद इरेगन को सपना आ रहा था जहाँ आर्या उसे अपना नाम कहती है। और वो उसे ये भी बोल रही थी दुर्जा ने मुझे बंदी बना रखा है किलीड नाम की जगह पे, मुझे बचा लो। और इरेगन जागते ही आर्या को बचाने की तैयारी करता है जिसे ब्रोम उसे रोक रहे थे क्योंकि गिलीड बिल्कुल ही उल्टी दिशा में थी, और वहाँ जाना मतलब मौत को आमंत्रण देना। एंड वैसे भी अभी सबसे ज़रूरी था वार्डन के पास पहुँचना, पर रैगन आर्या को बचाने की जिद में आ चुका था और वो ब्रोम की एक नहीं सुनता, और वो सफीरा पे बैठ गिलीड की ओर निकल जाता है। और वहाँ पहुँच वो सफीरा को बाहर छिपकर रहने को बोल अंदर अकेले चला जाता है। एंड वहाँ उसी गाँव वाले अनजान शख्स को भी देख पा रहे थे जो रैगन का पीछा कर रहा होता है। वो रैगन एक स्पेल का इस्तेमाल कर आर पार देख पा रहा था जहाँ उसे आर्या दिख जाती है, और वो आर्या के पास जाता है बट आर्या उसे खुद से दूर करी थी। एंड तभी अचानक वहाँ दुर्जा भी आ जाता है, और उसका प्लान आखिरकार कामयाब हो चुका था रैगन द लास्ट ड्रैगन राइडर को पकड़ने का। और उसे देख काफ़ी हैरान था कि एक छोटा बच्चा पूरी दुनिया का रखवाला है, पर खुद को साबित करने वो गुस्से में दुर्जा को मारने जाता है, लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि दुर्जा उसकी सोच से ज़्यादा शक्तिशाली था, और वह उसके एक ही मैजिक में कमज़ोर हो जाता है। और दुर्जा उसे मारने के लिए एक भाला उसकी ओर फेंक रहा था, लेकिन तभी वह ब्रोम आकर उसे बचा लेते हैं और वो भाला उस पर ही लग जाता है। एंड फिर रैगन खुद तीर की मदद से दुर्जा पे वार कर रहा था, पर वो मरता तो नहीं बल्कि दूसरी ओर भाग जाता है। और वह रैगन आर्य ब्रोम को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स रास्ता रोक करते हैं, पर तभी सफीरा वहाँ पहुँच उन्हें बचाती ही है, और वो अनजान बंदा भी उनकी हेल्प कर रहा था। फिर वो लोग सेफ जगह पे पहुँच थोड़ा आराम करते हैं, और ब्रोम के होश में आते ही रैगन उसे बता रहा था कि दुर्जा मर चुका है, लेकिन ब्रोम कहते हैं अब तक नहीं, उसे मारने के लिए उसके दिल पर प्रहार करना होगा। और ब्रोम उसे ड्रैगन किलिंग स्वॉर्ड देकर कहते हैं जाओ और वार्डन की मदद करो जंग जीतने में। पर रैगन ब्रोम के बिना नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ब्रोम उसे समझा रहे थे कि उनका बचना अब मुमकिन नहीं। और ये सुन रैगन अपनी पूरी ताकत से ब्रोम की चोट को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी इतने स्ट्रॉन्ग स्पेल को यूज़ करने के काबिल नहीं हुआ था। और सफीरा ब्रोम को रिस्पेक्ट देने के लिए उसे अपने ऊपर बैठा आसमान में ले जाती है ताकि वो एक ड्रैगन राइडर की तरह मर सके। अब हम देखते हैं दुर्जा जादू से आर्या की हालत खराब करा था, तो वो लोग जल्द से जल्द वार्डन की तरफ जाने का रास्ता पूछते हैं। इसी दौरान सफीरा उस अनजान शख्स को पकड़ लेती है, और ये देख रैगन उससे पूछता है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो बंदा अपना नाम मुर्ताक बताता है, और ये भी कहता है कि उसे दुर्जा और गैल्वेट्रिक्स से अपना बदला लेना है क्योंकि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसके परिवार को उन लोगों ने मार दिया। मुर्ताक को पहाड़ों का शॉर्टकट भी पता था, तो वो उन्हें जल्दी से वार्डन के पास लेकर जाता है, और रास्ते में उन्हें घोड़ों के बिना पैदल सफर करना भी पड़ रहा था। वहीं सफीरा रैगन को टेलीपैथी के थ्रू बताती ही है कि यूर्गल्स उसकी ओर आ रहे थे, और सामने झरना था तो वो उस पानी में कूद जाते हैं क्योंकि वार्डन वो झरने के उस पार रहते थे। पर अचानक वो गार्ड्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ दुर्जा गैल्वेट्रिक्स को बता रहा था कि रैगन के मदद से हमें पता चल चुका है कि वार्डन कहाँ पे छिपे हैं। इस पे गैल्वेट्रिक्स कह रहे थे मेरी सीना ले जाओ और ऐलान कर दो मेरी बात ना मानने की सजा मौत है। अब हम देखते हैं कि वार्डन का लीडर अजियात रैगन को सफीरा को बुलाने के लिए कह रहा था, और सफीरा को देख सभी बहुत खुश थे। वहीं गार्ड आकर बताता है
क्यूरगल्स करीब आ चुके हैं, तो जियाद इरागन से हेल्प मांग रहा था, पर अचानक उनकी नज़र मुर्ताक पे पड़ती है और वो कहते हैं, ये तो मॉर्गन का बेटा है, वो राइडर जिसने हमें धोखा दिया था। लेकिन मुर्ताक उन्हें समझाता है कि वो भी अपने फादर से नफरत करता है, इसलिए वो वार्डन की मदद करना चाह रहा था इस लड़ाई में, पर जियाद उसे जेल में डलवा चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ दुर्जा अपनी सेना को लेकर तैयार था। वहीं आरिया भी ठीक हो चुकी थी और जियाद इरागन और सफीरा को उसके आर्मर बनवा कर देते हैं, जिससे पहन वो भी युद्ध के लिए तैयार थे। वहीं यूर्गल्स दीवार तोड़ अंदर आकर हमला करते हैं और यहाँ उनके बीच की युद्ध शुरू होती है। इरागन सफीरा से कहता है, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, इस पर सफीरा उसे कहती है, बिना डर के बहादुरी कभी नहीं आ सकती, थोड़ा डर हमेशा ज़रूरी होता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। और तभी सफीरा दिखाती है कि वो अब आग उगलना भी सीख चुकी है और वो दोनों उर्गल्स को आसानी से हरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक उर्गल मुर्ताक के जेल को तोड़ उस पर हमला करता है, लेकिन मुर्ताक उसे ही मार देता है और फिर वो खुद भी युद्ध में शामिल हो चुका था। वहीं अजियाद आर्या मुर्ताक और सभी लोग उर्गल्स को मार रहे थे, लेकिन उर्गल्स के साथ साथ उनके भी काफ़ी सारे लोग मरे होते हैं। और अचानक वहीं एक और बड़ी सेना आ जाती है, जिसे देख वो सभी बहुत हैरान थे। और वहीं सफीरा ने जितने लोगों को आग से मारा था, उस आग का इस्तेमाल कर दुर्जा अपने लिए शैडो का मॉन्स्टर बना लेता है। और अब इरागन और दुर्जा में एक बड़ी फाइट होती है, जब वह बहुत कोशिश कर रहे थे दुर्जा के सीने से दिल निकाल ले, लेकिन दुर्जा का मॉन्स्टर बहुत खतरनाक था और तो और वो भी एक शैडो ही था। लड़ाई के दौरान वो सफीरा के गर्दन को पकड़ चुके थे और वहाँ सफीरा को बहुत गहरी चोट आती है, लेकिन वो इसके बावजूद हार नहीं मानती और एक प्लान बना। सफीरा इरागन को दुर्जा के ऊपर फेंक देती है और तभी इरागन दुर्जा को उसके मॉन्स्टर के नीचे लेकर गिर रहा था और हवा में ही वो उसके दिल पर प्रहार करता है। जैसा कि ब्रोम ने कहा था, दुर्जा के दिल में वार करते ही उसकी वही मौत हो जाती है। वो सफीरा इरागन को पकड़ लेती है, पर वो भी अब कमजोर हो चुकी थी, तो दोनों ही नीचे गिर रहे थे एंड अब सफीरा के बचने का कोई भी चांस नहीं होता। पर इरागन वही स्पेल का यूज करता है जिससे वो चोट को ठीक कर सके और अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी वो उसे बचा नहीं पाता और ये कह वो खुद भी बेहोश हो चुका था। और युद्ध खत्म हो जाती ही है और वार्डन के लोग इसे जीत चुके थे। और सुबह जब इरागन को होश आता है तो वो देखता है मुर्ताक उसके पास बैठा हुआ था, जिस पर इरागन पूछता है, सफीरा कहाँ है? और मुर्ताक उदास होकर कहता है, कुछ दोस्तों को हम कभी भी भुला नहीं सकते। एंड तभी वहाँ पर सफीरा आ जाती ही है और मुर्ताक खुशी से कहता है, नसीब से तुम्हें उन्हें भुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इरागन आर्या के पास जा रहा था, पर आर्या अपने देश एलिसमीरा के लिए निकल चुकी थी, तो रास्ते में इरागन उसे मिलता है, जब वो उसे बता रही थी गैल्बर्ट्रिक्स अब भी जिंदा है और वो हमसे बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेगा, तो उसे अपने देश के लोगों को एक करना होगा गैल्बर्ट्रिक्स के साथ युद्ध के लिए, क्योंकि अगर दुर्जा इतना ताकतवर था तो सोचो गैल्बर्ट्रिक्स कितना शक्तिशाली होगा। एंड वो दोनों गैल्बर्ट्रिक्स को मिटाने के लिए दोबारा मिलने का वादा लेते हैं, ताकि वापस इस दुनिया में अमन और शांति आ सके। और यहाँ यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि गैल्बर्ट्रिक्स अपने ड्रैगन का एक झलक दिखाता है, जिसके साथ अब वो हमला करेगा और इसीलिए वार्डन को भी तैयार रहना होगा इरागन और सफीरा के साथ। और यहाँ यह पूरी फिल्म ख़त्म। एक बहुत ही अच्छी कहानी थी जिसे सेम नेम के वीडियो गेम से अडेप्ट किया गया था, पर क्योंकि बॉक्स ऑफिस के साथ साथ क्रिटिकली भी फेल हुई थी, इसका पार्ट टू कभी नहीं बना। जहाँ इरागन और गैल्बर्ट्रिक्स के बीच एक बड़े भयानक युद्ध को देख पाते हैं। बट आई रियली होप फ्यूचर में कभी इसकी सीरीज या फिल्म ज़रूर बने, जहाँ हम इसके वीडियो गेम स्टोरी आर्क को कम्प्लीट होते देख पाए, जस्ट लाइक विचर्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। Thank you.